अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये है बाराबंकी बस स्टॉप, जहाँ पर हम 1.5 घंटे से ख्वार हो रहे हैं और बस जो है लखनऊ जो जाने वाली है वो आने का नाम ही नहीं ले रही। सब जगह की बस आ रही है, फतेहपुर जा रही है, देमा जा रही है, बिस्मा जा रही है, हैदरगढ़ जा रही है, सिद्धौर जा रही है, सब जगह जा रही है, लेकिन लखनऊ की बस नहीं आ रही है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान यूँ हो रहे हैं कि मेरे पापा मंडे को लारी यानी मेडिकल कॉलेज में जो हार्ट वाला डिपार्टमेंट है उसमें एडमिट हो गए, तो हम बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं। बस ये हो रहा है कि जल्दी से हम पहुँच जाएँ। अच्छा, हम ओला करके भी जा सकते थे, उबर करके भी जा सकते थे, लेकिन मरियम की मम्मी साथ में हैं, उन्हें कार पर बैठ करके जाना जो है बस उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब टास्क होती है कि वो जा नहीं सकती, उन्हें वोमिटिंग होने लगती है। लेकिन आगे अल्लाह की जो रज़ा होती है इंसान को, फिर वो जो है रज़ा माननी पड़ती है और झेलनी पड़ती है। जब इनको भी ये लगा, मरियम की मम्मी को, हमारी छोटी बहन को, कि हाँ जो है बहुत मुश्किल है बस मिलना और हम लोगों का पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने ओला कर ही लिया। और जाने के टाइम तो इनकी तबीयत इतनी नहीं ख़राब हुई, लेकिन हाँ जब हम लोग वापसी करने लगे थे तो फिर आप देखिएगा आगे ब्लॉग में कि उनकी क्या कंडीशन हुई थी। तो चाहे जितनी महंगी हो कार, हम जैसे लोगों के लिए है बेकार, क्योंकि जब उल्टी आए, चक्कर आए, तो सब हो जाता है बिल्कुल बेकार। तो ऐसी बात है। तो बस हम लोगों ने जो है ओला कर लिया है और अब फटाफट से जो है पहुँचेंगे पापा के पास। और हर जगह इतना जाम था, एक तो जो है पॉलिटेक्निक के आगे जब आप निशादगंज पहुंचते हो ना, तो वहाँ पर अकबर नगर का आपने हाल सुना ही होगा कि वहाँ मकान वगैरह जिन लोगों के थे बहुत पुराने, तो वहाँ पर जो है वो सारे मकान गिराए जा रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है, तो इस वजह से पूरा जो है मतलब आने जाने का जो रूट है ना वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो हम लोगों को घूम के जाना पड़ा और इतना ज़्यादा जाम झेलना पड़ा, यानी कि 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे का हो गया। और जैसे तैसे करके हम लोग पापा के पास पहुँचे और बहुत मुश्किल से पहुँचे। और पापा का जो है, पापा ऊटी में गए थे, वहाँ से आ गए हैं, और उसके बाद हम आपको ये सारी डिटेल्स भी आगे ब्लॉग में देंगे कैसे क्या हुआ। फिर पापा के पास हम लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे क्योंकि अंदर सिर्फ एक लोग अलाउ हैं, तो पहले ऑलरेडी एक लोग थे पापा के साथ, जिसकी वजह से हम लोगों को जो है तब भी हम जो है ज़िद करके वहाँ पर आधा घंटा बैठ गए थे। और हम और जो है मेरी छोटी वाली बहन यानी मरियम की मम्मी, और मम्मी भी आज आई हुई थी, 1 हफ्ते पहले की ये वीडियो है, तो मम्मी ने अपने आर्थोपेडिक वाले डिपार्टमेंट में मेडिकल कॉलेज में मम्मी ने दिखला दिया है अपनी हड्डी, पैर में मम्मी के घुटने में इंजेक्शन लगा है, मम्मी एडमिट भी थी, मम्मी को दवा चल रही थी, तो मम्मी को इसलिए हम लोग लेकर पापा के पास नहीं गए क्योंकि पापा 2nd फ्लोर पे थे, मम्मी पैर से मजबूर हैं, वो जा नहीं सकती थी। और यहाँ पर जो है मरियम की मम्मी अब बैठी हैं और इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि पूरा लटक गई कार के विंडो पे। मम्मी कहने लगी अब इनको लेकर मत आना साथ में, क्योंकि ये जहाँ जाती हैं इनकी यही कंडीशन हो जाती है। लेकिन भाई कोई अपने माँ बाप को इस कैफियत में देखेगा तो फिर अपनी कैफियत भूल जाता है, चाहे जितनी परेशानी आए, लेकिन माँ बाप को देखने के लिए तो औलादें पहुँचती हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग जैसे तैसे घर आ गए। तो जनाब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और पापा की जो हेल्थ अपडेट थी उसके आगे क्या क्या दिक्कतें आई वो आप सुनिए। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो बहुत कभी कभी ज़िंदगी आपको इतनी मुश्किल लगने लगती है जिससे निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है। और जब इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है मेरे अल्लाह का। तो मेरे पापा जी जो है एडमिट थे मेडिकल कॉलेज में यानी लारी डिपार्टमेंट में, और उनकी सर्जरी होनी थी, तो देखिए हार्ट की जो सर्जरी होती है ना उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, यानी कि एंजियोग्राफी होने में भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लग जाता है आराम से। तो
इतना रुपया एक गरीब इंसान कहाँ से लाएगा। तो हम लोगों ने जो है, हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है सबका, तो हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड जो है पापा का लगवा दिया था। और आयुष्मान कार्ड लगवाने से पहले भी शायद कुछ पैसे 10,000 के समथिंग जमा करने होते हैं, वो जमा हो गया। और पापा की हाफ जो एंजियोग्राफी हो चुकी थी, यानी जो तार वगैरह डालते हैं गर्दन से या हाथ से, तो वो जो है डालकर टेप लगा करके हाथ में और वैक्स वगैरह करके ऑपरेशन के लिए रेडी कर दिया था। यानी कि जो हार्ट में रिंग पड़ना था छल्ला, हुआ यूँ कि जो आयुष्मान कार्ड था वो रात भर जो है प्रोसेस में लगा हुआ था, लेकिन वो अप्रूवल उसका आया ही नहीं। और वो अप्रूवल शायद दिल्ली से आता है। अच्छा, सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये आयुष्मान कार्ड लेके अगर हमें कोई ज़िंदगी में बड़ी बीमारी होती है तो मेरे पास ये 5 लाख का कार्ड है। और खुदा ना खास्ता कभी अगर आप किसी बीमारी में मुब्तिला हुए तो मेरा काम तो यूँ चुटकियों में हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, पर्सनल तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप ना यूँ चुटकियों में कोई काम नहीं होता है, आप यूँ 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 हाथ मसलते रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, पर्सनल तजुर्बा बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है जब आप आयुष्मान कार्ड का ऐड देख रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है वाकई में अगर ये वाला जो है ज़िंदगी में मतलब आया मरहला परेशानी का, बीमारी का, तो फ़ौरन से जाएंगे हॉस्पिटल और फ़ौरन से मेरे सारे काम हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में इंसान जब इस दौर से गुजरता है ना, ये आयुष्मान वाले कार्ड को लेकर के, और इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है कि बंदा जो है मरीज़ के साथ खुद मरीज़ बन जाता है। और सच में पापा के साथ इतनी दौड़ भाग हुई कि जो दौड़ता है वही जानता है। और वाकई में बहुत मेहनत, तो एक तो हॉस्पिटल इतना बड़ा होता है तो हॉस्पिटल के अंदर इधर फीस जमा करनी, उधर कार्ड जमा करना है, इधर पेपर लगाने हैं, इधर ये काम करना है, मरीज़ को लेके उधर जाना है, टेस्ट करवाना है। सच में बंदा जो है बिल्कुल यूं हो जाता है, चुस जाता है बिल्कुल से। तो ऐसा है, मरीज़ के साथ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है दौड़ने की। और अगर आपके पास पैसे हैं तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है, तब तो फिर प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, सारे काम आपके होते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक गरीब हैं, आपके ऊपर कोई बड़ी बीमारी आ गई है, तो आप सोच लीजिए, या तो मर जाएंगे और या तो आप दौड़ते दौड़ते मार दिए जाएंगे, दौड़ाते दौड़ाते आप मार दिए जाएंगे। ये है आयुष्मान कार्ड की हकीकत, प्रोसेस। और उसके बाद मेरे पापा का जब मतलब अप्रूवल आ गया तो फिर ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा अब ट्यूसडे को यानी मंगल को करेंगे ऑपरेशन। अब आप बताएं कि मरीज़ ऐसे ही परेशान, उसके बाद फिर अगर वो जो है अदर प्लेस से आता है, यानी कि उसका ज़िला चेंज होता है, तो उसको कितना आने जाने में दिक्कत होती, कितना सारा किराया लग जाता है, कितनी ज़्यादा। हम आपसे अपनी पर्सनल जो है तजुर्बा जो है आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। और सच में मेरे पापा भी परेशान हुए और उनके साथ जितने लोग थे वो भी परेशान हुए। तो ये चीज़ें अगर इजी हो जाएं, ये प्रोसेस या अप्रूवल सारी चीज़ें अगर तुरंत जो है क्या कहते हैं कार्रवाई हो जाए, तो कितना ज़्यादा जो है आसान हो जाए। और पापा मेरे कल रात में आए हैं और अभी हम लोग जाएंगे देखने के लिए। अभी सब्जी लेके हमने रखी, हमने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है, जो हम लोगों के साथ हुआ वो जो है शेयर करें, बनता भी है, क्योंकि इंसान को पता हो जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आपके पास भी आयुष्मान कार्ड है ना, तो आप भी जो है दौड़ने के लिए जो है तैयार रहिए। ग्लूकोज लेके जाइए, गोल गोल के पीते रहिए और हॉस्पिटल में दौड़ते रहिए, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये चीज़ें होती हैं। और चलिए फिर अभी आपको जो है चलेंगे तो अपने पापा जी से मिलवाएंगे, और कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी जो है अगर कोशिश करेंगे, अगर पापा ने बात करने की स्थिति में रहे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर से ज़रूर बात करवाएंगे। अभी नाश्ता जो है नहीं हुआ है, सिर्फ चाय पी है और ज़िया को भेजा, हमने कहा जाओ आज बाहर से नाश्ता करने का दिल कर रहा है तो वो ले आओ, छोला हमारे यहाँ ना छोटे छोटे से वो कुलचे बनते हैं, छोला और कुलचा,
तो ज़िया लेने गए, हमने अपने लिए जलेबी वगैरह भी ले लेना, दही ले लेना। तो देखिए ज़िया क्या लेकर आते हैं। भी ज़िया ने कॉल की थी तो जहाँ गए थे लेने वहाँ मिला नहीं, तो फिर हमने उनको दूसरी की शॉप बताई है, तो वहाँ गए कि नहीं गए अल्लाह अल्लाह बेहतर जानने वाला। अब ज़िया आएंगे तभी जो है। तो चलिए वीडियो की मत करिएगा, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, फुल देखिएगा। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और इससे पहले वाले ब्लॉग भी जब तक आपको मिल चुके होंगे शायद। अरे लॉ डर गए, चौंक गए कस के। क्या हुआ रेशमा? रेशमा ने नहीं गिराया। दरअसल बगल में एक किराएदार और रहते हैं ना, तो अक्सर आंटी बूढ़ी हैं तो उनके हाथ से, उनके एक हाथ में दर्द रहती है, तो अक्सर जो है उनसे बर्तन जो है बेचारी से गिरते पड़ते रहते हैं। अच्छा बर्तन यहाँ ना, ये घर ऐसा बना हुआ है कि नीचे कोई काम हो, यहाँ कोई काम हो, वहाँ कोई काम हो, और प्रेशर कुकर में सीटी लगती ना तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके ही जो है घर में लग रही हो, तो ऐसा है, ये बना ही ऐसे है। चलिए फिर अभी मैं नहाना भी है, क्योंकि बालों में हमने लगाई है हिमालय की हेयर प्रोटीन क्रीम। मेरे बाल ना, इधर बाल बहुत ज़्यादा जो है झड़ रहे थे, गिर रहे थे, गंजे हो गए हम सारे बाल, मेरे साफ हो गए आधे से ज़्यादा। चलिए फिर अभी मिलते हैं आपसे। तो इसीलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इतनी ज़्यादा मसरूफियत है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है पापा की छुट्टी हो गई है, पापा घर आ गए थे वेडनेसडे वाले दिन, और अब मंडे को फिर जाना है, फिर जो है ट्यूसडे को ऑपरेशन होना है। तो आगे की जो डिटेल रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।